नेक्स्ट है लैंडस्लाइड मिटिगेशन। ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया, मान लीजिए कहीं पे कोई चट्टाने हैं, कोई कुछ है, कोई चट्टान है, कोई लैंड जैसे कुछ, कोई रॉक्स है, कोई चट्टान, कोई कुछ भी है, जैसे अचानक से वो एकदम से वो गिर जाए। ठीक है, कहीं पे कुछ भी हो जाए, जैसे मान लीजिए कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे स्टॉर्म्स आ गया, कहीं पे वॉल्केनो ज्वालामुखी आ गया, कहीं पे कुछ हो गया, आग लग गई, तो वहाँ से क्या है लैंडस्लाइड मिटिगेशन, लैंडस्लाइड हो जाता है। ठीक है, अचानक वहाँ से क्या है लैंडस्लाइड हो जाना। ठीक है, तो ये हो सकता है उससे, तो इसे अब बचा कैसे जाए। ठीक है, मान लीजिए जमीन फट गई, ठीक है, इसे बचा कैसे जाए। देखिए असेस वल्नरेबिलिटी टू लैंडस्लाइड, इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उस सूची को पूरा करना, यानी कि हमें पहले ये देखना चाहिए कि कंडीशन है क्या आसपास। ठीक है, आसपास कंडीशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो देखना। ये फ्रेंड्स आप देखिए कि ये सारी जो चीज़ें हैं तकरीबन सेम ही है हर एक में। ठीक है, हर एक में चीज़ें सेम ही हैं, आप इसको कर सकते हो आराम से। ठीक है, मैनेज डेवलपमेंट इन लैंडस्लाइड हजार्ड एरिया, आपको देखना है कि जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है या होती है आप उस जगह को कैसे मैनेज करते हो डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वहाँ पे आपको प्लानिंग करनी है, आपको वहाँ पे चीज़ें बसानी है, ऐसे करके प्रिवेंट इम्पैक्ट टू रोडवेज। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चीज़ है, पहली बात तो आपको जैसे वो लैंडस्लाइड हो रही है उसको मॉनिटर करना कि ये कैसे हो रहा है, फिर इसको ये देखना कि इसे कैसे बचाया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ों का देखना। रिमूव एग्जिस्टिंग बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम लैंडस्लाइड हजार्ड एरिया, अब देखिए वहाँ पे बिल्डिंग ना बनाई जाना। ठीक है, वहाँ पे बिल्डिंग बनाने से रोकना जहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है। ठीक है, बिल्डिंग बनाने से रोकना इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब कि ऐसे मतलब बिल्डिंग बनाने से रोक के क्या है आप वो लैंडस्लाइड से होने वाले खतरे को बचा सकते हैं। देखिए नेचुरल हजार्ड्स को कोई रोक नहीं सकता, पर आप वहाँ से अपने जान माल का जो आप जान माल की अपनी सुरक्षा जो है वो कर सकते हैं।